के वित्तीय केंद्र शंघाई कोविड के मामले में वृद्धि दर्ज कर रहा है, जहां पर भारतीयों को फिलहाल बीजिंग में दूतावास से संपर्क करने के लिए कहा गया है। बुधवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि चीनी वित्तीय केंद्र में कंसुलर सेवाएं, जो नवीनतम हॉटस्पॉट के रूप में उभरी हैं, अभी के लिए काम नहीं करेंगी और बंद हैं। भारत के महावाणिज्य दूतावास ने एक नोटिस में कहा है कि यह दुर्गम रहेगा और व्यक्तिगत रूप से कंसुलर सेवाएं प्रदान करने की स्थिति में नहीं होगा। नोटिस में कहा गया है कि चूँकि शंघाई शहर को शंघाई म्यूनिसिपल पीपल्स गवर्नमेंट द्वारा अलग अलग डिग्री तक सील और नियंत्रित करना जरूरी है, भारत का महावाणिज्य दूतावास काम नहीं करेगा और बंद रहेगा और व्यक्तिगत रूप से कौंसलर सेवाएं प्रदान करने की स्थिति में नहीं होगा। दूतावास के अनुसार भारतीय नागरिक इन नंबरों पर कौंसलर इमरजेंसी के लिए संपर्क कर सकते हैं। नोटिस में आगे कहा गया है कि उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूर्वी चीन क्षेत्र में भारतीय नागरिक तत्काल कौंसलर सेवाओं को लाभ उठाने के लिए भारत के दूतावास बीजिंग में आवेदन कर सकते हैं। भारतीय दूतावास ने आगे कहा है कि भारतीय दूतावास बीजिंग में काउंसलर सेवा चाहने वाले आवेदकों के लिए दिशा निर्देशों का एक सेट इसके साथ संलग्न है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।